हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था टिल वेंडर मास्टर क्रिएशन एंड वेंडर मास्टर का सारा जो डिटेल्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के वीडियो में हम जानेंगे पार्टनर फंक्शन क्या होता है और आप पार्टनर फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं और पार्टनर फंक्शन का रोल क्या होता है वेंडर मास्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली पार्टनर फंक्शन होता क्या है? अगर हमारा जो वेंडर है उसका डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अवेलेबल हैं तो उसको कहा जाता है पार्टनर फंक्शन। जैसे कि हमारा एक वेंडर है जिसके लिए गुड्स सप्लायर कोई दूसरा है, कि हमने ऑर्डर जो दे रहे हैं वो एक वेंडर को दे रहे हैं, तो जब भी वो ऑर्डर वेंडर के पास पहुंचता है, वेंडर का एक दूसरा वेंडर है जो हमारे लिए क्या करता है, जो उसके लिए क्या करता है, जो उसके लिए गुड सप्लाई करता है। और सपोज उसका और एक वेंडर है जो क्या करता है, उसके लिए इनवॉइसेस बनाता है, और एक शायद तीसरा एक कोई वेंडर हो जो उसके लिए सिर्फ ऑर्डर लेता है। तो ऐसा अगर एक वेंडर का काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल होंगे तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल अगर हम सोचे कि जैसे हम कभी भी ऑर्डर देते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो जब भी हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर देते हैं जो डिलीवरी दिया कर जाता है या फिर डिलीवरी किया जाता है वो ई कार्ट नाम का एक जो उसका वेंडर है वो ई कार्ट लॉजिस्टिक्स करके एक वेंडर है। तो वो उसका जो लॉजिस्टिक्स वाला डिपार्टमेंट है जो सप्लाई मतलब जो डिलीवरी का काम है वो करता है। तो हमको डिलीवरी के लिए अलग से ई कार्ट पे पहुंचने की या फिर रीच करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी ऑर्डर फ्लिपकार्ट को देते हैं तो वो ही ऑर्डर जब वो डिस्पैच होने के लिए हो जाएगा वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली ई कार्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा, ताकि ई कार्ट वाले उसको जो है उसको शिपिंग कर सके, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट उसको कर सके। तो इसके लिए हमारा पार्टनर फंक्शन ज़रूरी है अगर हमारा वेंडर का जो रोल है वो अलग अलग वेंडर अलग अलग काम अगर कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे पार्टनर फंक्शन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो पार्टनर फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना है, हमको पहले कुछ सेटिंग्स करना है। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा SPRO, फिर MM, परचेजिंग। परचेजिंग के बाद यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा पार्टनर डिटर्मिनेशन। पार्टनर डिटर्मिनेशन में पार्टनर रोल, तो यहाँ पे डिफाइन पार्टनर रोल। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे पार्टनर रोल ऑलरेडी फंक्शन जो है वो क्रिएट किया गया है। जैसे कि अगर हम देखना चाहें यहाँ पे पोजीशन में जाके अगर हम VN एंटर करें तो यहाँ पे VN जो है वो वेंडर है। यहाँ पे सपोज हम GS का वेंडर ढूंढते हैं तो GS मतलब गुड सप्लायर। यहाँ पे अगर हम OA का सर्च करें तो OA मतलब ऑर्डरिंग एड्रेस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो डिफरेंट फंक्शंस है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आप अगर यहाँ पे चाहें नया वाला पार्टनर फंक्शन क्रिएट करने के लिए तो आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे भी जा सकते हैं, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग है उससे आप यहाँ पे कॉपी करके भी बना सकते हैं। हालांकि ये हमारे लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है, जो हमारा एग्जिस्टिंग है हम उसी को ही यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है हमको असाइन करना पड़ेगा ये पार्टनर को रोल को हमारे अकाउंट ग्रुप के साथ। तो उसके लिए ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है डिफाइन परमिसिबल पार्टनर रोल्स पर अकाउंट ग्रुप, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे जो वेंडर है वो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शंस है वो डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम अपना वाला ढूंढ लेते हैं। जैसे हमारा अकाउंट ग्रुप है टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग वेंडर था, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू एंट्रीज पे चले जाते हैं। न्यू एंट्रीज पे जाके यहाँ पे VN दे देते हैं। VN का हम यहाँ पे टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग वेंडर दे देते हैं और एक दे देते हैं OA, उसको भी टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग वेंडर दे देते हैं। नेक्स्ट जो है
उसको हम सपोज गुड सप्लायर दे देते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप के लिए हम ये सारे फंक्शन जो है इसको असाइन कर रहे हैं, ताकि हम जब ये ग्रुप में कोई वेंडर क्रिएट करे तो उसके हिसाब से हम एक और वेंडर को ये वाले फंक्शन जो है वो दे सके। तो यहाँ पे सपोज हम एक फ्रेट के लिए और एक डाल देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी है हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है, इसको चलिए सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा यहाँ पे फंक्शन असाइन करेंगे यहाँ पे ये ग्रुप के लिए, तो इस ग्रुप के लिए सिर्फ यही वाले फंक्शन अलाउ हो पाएंगे, मतलब यही वाले फंक्शन हम सिर्फ ऐड कर पाएंगे। अदर देन दिस हम कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, अगर आगे हमको कोई ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे आके दूसरा जो फंक्शन है उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू सेटिंग्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है पार्टनर सेटिंग्स इन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, तो इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिफाइन पार्टनर स्कीमा। तो यहाँ पे पार्टनर स्कीमा जो है वो डिफाइन करता है, वो क्या करता है, आपका जो पार्टनर है उसको उसके फंक्शन के साथ लिंक करता है। जैसे यहाँ पे L1 पार्टनर स्कीमा है वेंडर के लिए, L2 है वेंडर सब रेंज के लिए, L3 है वेंडर प्लांट के लिए, L4 है वेंडर प्लस मैन्युफैक्चर के लिए, यहाँ पे TS है स्कीमा फॉर परचेज ग्रुप के लिए है। तो हमारा जो ऑलरेडी वहाँ पे पार्टनर स्कीमा है वो L1 से डिफाइन है, तो सारा जो है हमारा वो वेंडर पे डिफाइन है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक नया एंट्री ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कीमा जो है उसको TM करके ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं टाटा मोटर्स, टाटा मोटर स्कीमा दे देते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट जो है पार्टनर फंक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जाके न्यू एंट्रीज ले लेते हैं। तो न्यू एंट्रीज में जाके यहाँ पे जो हमारा हमने लिया था VN ले लेते हैं और हमारा GS OA और हमने लिया था FS, तो ये सारे को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे VN जो है इसको नो चेंज कर देते हैं और इसको मैंडेटरी भी कर देते हैं। तो जब भी हम ये पार्टनर फंक्शन के लिए लेंगे तो उसके लिए VN पार्टनर फंक्शन जो है वो मैंडेटरी रहेगा और इस पे हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है असाइन पार्टनर स्कीमा टू अकाउंट ग्रुप। तो हम यहाँ पे अकाउंट ग्रुप पे तो हम यहाँ पे अकाउंट ग्रुप जो है हमारा जो यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे जो तो हम यहाँ पे पोजीशन में चले जाते हैं, अपना अकाउंट ग्रुप जो है TMMV सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे TMMV के लिए यहाँ पे जो है कोई भी असाइन नहीं किया है। तो हम यहाँ पे जो पार्टनर स्कीमा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
अपना जो हमने अभी बनाया है पार्टनर स्कीमा उसको हम यहाँ पे दे देते हैं, और नेक्स्ट जो है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनर स्कीमा फॉर वेंडर सॉवरेन जो है इसको हम L2 दे देते हैं, और यहाँ पे जो है पार्टनर स्कीमा प्लांट लेवल के लिए L3 दे देते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से फिर बैक चले जाते हैं, सेटिंग्स इन परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डिफाइन परचेजिंग स्कीमा है, पार्टनर स्कीमा है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर स्कीमा है वो 0001 है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 0002 है स्टैंडर्ड पीओ के लिए, और 0003 है स्टैंडर्ड स्टॉक ट्रांसफर परचेज ऑर्डर के लिए है। तो हम यहाँ से फिर बैक चले जाते हैं, यहाँ से असाइन पार्टनर स्कीमा टू डॉक्यूमेंट टाइप पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो AN है, ये RFQ का डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो हम यहाँ पे पार्टनर स्कीमा जो है इसको 0002 दे देते हैं, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर का अगर हम देखें तो परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पीओ के लिए यहाँ पे 0002 ऑलरेडी असाइन है, तो हम इसको बस सेव कर देते हैं। तो हमारा जो सेटिंग्स है वो बेसिक खत्म हो गया है। तो हम अभी चलिए एक काम करते हैं, अभी एक टेस्ट करते हैं कि हम अगर ये वेंडर्स हम अगर क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या हमारा जो पार्टनर फंक्शन है वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा XK01। तो XK01 में जाके हम यहाँ पे अपना जो वेंडर नंबर है इसको हम दे देते हैं, गुड सप्लायर वेंडर दे देते हैं 1। तो यहाँ पे जो कंपनी कोड है और यहाँ पे अकाउंट ग्रुप जो है इसको हम दे देते हैं 0002। तो यहाँ पे हम एड्रेस कुछ भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे गुड सप्लायर फॉर मिंडा कर देते हैं, यहाँ पे सिस्टम GS मिंडा कर देते हैं, और यहाँ पे कंट्री इंडिया दे देते हैं, और इसको बस हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, कैश मैनेजमेंट ग्रुप है। तो हमारा ये वेंडर जो है GSV1 जो है ये क्रिएट हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो और एक वेंडर है हम इसको क्रिएट करते हैं एज अ ऑर्डरिंग एड्रेस करके कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डरिंग एड्रेस वेंडर 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सपोज हम कंपनी कर देते हैं, और यहाँ पे ऑर्डरिंग एड्रेस फॉर मिंडा कर देते हैं, और यहाँ पे सर्च टर्म कर देते हैं OA मिंडा, और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट कैश मैनेजमेंट ग्रुप इसको कर देते हैं। तो हमारा ये दो जो वेंडर है वो हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम जो अपना वेंडर एग्जिस्टिंग क्रिएट किए थे उसी को ही चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के बाद यहाँ पे पार्टनर फंक्शन में सिलेक्ट कर लेते हैं, पार्टनर फंक्शन सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टनर फंक्शन है वो ऑलरेडी हमारा जो VN है वो वेंडर है, वेंडर मिंडा है। तो यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने जो सेटिंग्स में वो सिलेक्ट करके रखा था कि यहाँ पे ये मैंडेटरी रहेगा और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम सपोज GS ले लेते हैं, और यहाँ पे GSV1 ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे गुड सप्लायर वेंडर जो है ये ऐड हो गया है, हम इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज है वो हमारा सेव हो गया है। तो हमारा जो वेंडर है
वेंडर के साथ हमने एक पार्टनर फंक्शन ऐड किया है गुड सप्लायर का, तो हम जब भी इस वेंडर के साथ परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे उस टाइम में हम पार्टनर फंक्शन चेक करेंगे कि हमारा पार्टनर फंक्शन जो है वो यहाँ से पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा है। हम वो चेक करेंगे जब हम परचेज ऑर्डर और डिफरेंट जो हमारा परचेजिंग ट्रांजेक्शन है वो करेंगे, उस टाइम में चेक करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा वेंडर मास्टर। तो नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड का, मतलब PIR का जो मास्टर रिकॉर्ड है वो शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहें और सीखते रहें।